18 करोड़ 70 लाख रुपयों के सड़क निर्माण में बन रहे रोड नाली निर्माण में खामियां हुई उजागर। पुरानी नाली को बनाया जा रहा है नया। उपविभागीय अधिकारी कार्यालय से सिविल कोर्ट तक किया जा रहा है नाली निर्माण का कार्य, लेकिन निर्माण कार्य में अनेक अनियमितता आगे आ रही है। शहर के उपविभागीय अधिकारी कार्यालय से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक तक 18 करोड़ 70 लाख रुपए के सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इस काम में अनेक खामियां सामने आते दिखाई दे रही है। उपविभागीय कार्यालय से हिंगनघाट न्यायालय तक सिविल लाइन के नाम पे नाली बांधने का निर्माण कार्य किया जा रहा है। पुराने नाली पर ये नाली का निर्माण कार्य किया जा रहा है, तब इस निर्माण कार्य पर प्रश्न चिन्ह निर्माण होते दिख रहे हैं। तहसील कार्यालय से कोर्ट के कॉर्नर तक जो नाली का काम चल रहा है, 18 करोड़ के बनने वाले रोड का वो एक भाग है, लेकिन पुरानी नाली न तोड़ते हुए जूनी नाली पे 1.5 फुट की सलाख डालकर ये नाली पुनर्निर्माण की जा रही है, जो एक प्रकार का घोटाला है। इसकी जाँच करने की मांग करता हूँ। PWD के इंजीनियर इसमें कमीशन थोड़ी खा रहे हैं, ठेकेदार का ध्यान नहीं, आमदार का ध्यान नहीं। ये पूरी तरह 18 करोड़ का रोड जो बन रहा है धोखा पाली से, जनता की आंखों में धोखा किया जा रहा है। ऐसी जनता की मांग है, इसकी जांच की जाए, इंजीनियर धमाने पे कार्रवाई की जाए और पूरे रोड की जांच की जाए कि सीमेंट का कैसा बन रहा है। इसमें ये लोग सलाख नहीं डाल रहे सर, इसके अंदर में सीमेंट रोड जब बनता है 18 करोड़ का, उसमें सलाख नहीं डाली जा रही है। एस्टीमेट मांगी जा रहा तो धमाने देने को तैयार नहीं है क्या? और यहाँ के लोग बोल रहे कि जैसा हमको इंजीनियर साहब कह रहे वैसा हम काम कर रहे हैं। BCN न्यूज़ के लिए हिंगनघाट से रवि एनोरकर की रिपोर्ट।